जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ग्रंथ शुक्राना गुरु जी महाराज। आज का सारा जाप पाठ गुरु जी महाराज आपके श्री चरणों में अर्पित स्वीकार करें तो हूँ। असी चंगे माड़े तेरे गुरु जी सानू बख्शो, असी कीते पाप बथेरे गुरु जी सानू बख्शो। शुक्राना महाराज, बेअंत शुक्राना। सुरेश अंकल, ओवर टू यू। जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सत्संग जी। शुक्राना गुरु जी महाराज और मटलिंग सेवादार टीम, हम आप सबका स्वागत करते हैं। आज एक बार फिर गुरु जी की ब्लेस संगत से बिना कोचर आंटी जी आई हैं संगत शरीर के लिए। सबसे पहले तो मैं सात संगत जी से माफी मांगना चाहूंगा कि कुछ टेक्निकल इश्यूज थे बियॉन्ड आवर कंट्रोल, इसके लिए प्लेलिस्ट पूरी तरह से सुनी नहीं जा सकी। असुविधा काफी हुई है, यू कैन अंडरस्टैंड। बाकी गुरु जी महाराज की लीला, मैं साक्षी आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा। साक्षी आंटी, ओवर टू यू, सेशन को इनिशिएट करें प्लीज। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी नमस्ते। थैंक यू संगत जी, आपका बहुत शुक्राना ये सब्र बनाए रखने के लिए। दोबारा से भूल चुक की माफी, अगली बार ध्यान रखेंगे कि ऐसी गलती ना हो हम लोगों से। संगत जी, जैसे कि आज हम सब जानते हैं कि हमारे बीच में बहुत ही प्यारी सबीना आंटी जुड़ी हैं। जैसे कि हर सत्संग को हम कितनी बार भी सुने, हर बार एक नया मीनिंग, हर बार एक नई चीज निकल के आती है। बट आंटी का सत्संग, अगर मैं अपनी पर्सनल भी बात करूं तो इतना टचिंग है। स्पेशली वो दो टू थ्री लाइन जब गुरुजी ने उनको रियलाइज कराया था हॉस्पिटल बेड पे कि देख, उन तेरा अंत समय नेड़े आया तो तेरा कोई भी कम नहीं आया। क्योंकि गुरुजी उस टाइम आंटी के पास कोई भी नहीं था, ना घर वाला, ना बच्चे, ना मापियो। एंड दिस इज अ सिमिलर सिचुएशन वी ऑल हैव गॉन थ्रू वंस और ट्वाइस इन आवर लाइफ। स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूं तो ये दो बार आई हैव फेस दिस ड्यूरिंग कोविड टाइम। तो हर सत्संग हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है कि सिर्फ गुरु और डायरेक्ट कनेक्शन ही काम आएगा, ये सब दुनियावी चीजें हैं वो यही रह जाएगी। सो थैंक यू आंटी, थैंक यू वंस अगेन आपका आने का और हम सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने का, क्योंकि वी ऑल लुक फॉरवर्ड टू हियर यू। बेअंत शुक्राना। ओवर टू यू आंटी। जय गुरु जी। जय गुरुजी महाराज। गुरुजी को प्रणाम। सारी संगत को बहुत बहुत नमस्कार। मुझे वो दिन याद आता है जब गुरुजी हमारे घर आए थे। मैंने गुरुजी से डरते डरते पूछा, गुरुजी आपकी आरती कर लें? तो बहुत स्माइल करके बोले, कर लो, क्योंकि उस टाइम गुरुजी आरती नहीं कराया करते थे। हमारे घर जो डीजे आए हुए थे, मैंने उनको पूछा, भैया कोई आरती है? उन्होंने बोला, हाँ जी, ओम जय जगदीश हरे है। मैंने कहा, जी वो लगा दीजिए। तो उसके ऊपर गुरुजी ने आते ही सबसे पहले आरती करवाई अपनी। फिर गुरुजी से परमिशन हमने ये भी ली थी कि आपको टीका लगा सकते हैं गुरुजी प्लीज। उन्होंने इजाजत दी तो गुरुजी को टीका लगाया और आरती करी, और उसके बाद सारी संगत बैठ गई। गुरुजी के लिए जल लाया गया, जो गुरुजी ने ग्लास वहीं रख लिया, और वो हमेशा हाथ पोंछने के लिए एक हैंड टॉवल अपनी कुर्सी या सोफे पे, जिस पे भी बैठते थे, उस पे रखते थे। वो हमेशा होता था। फिर चाय गुरुजी को अर्पण करी गई, जो कि गुरुजी ने सिप लेके चाय प्रसाद बना दिया। और जैसे गुरुजी ने पीना शुरू करा, उन्होंने इशारा करा कि संगत में भी बांट दिया जाए। उस जमाने में सिर्फ चाय प्रसाद ही होता था, साथ में स्नैक्स नहीं होते थे। जैसे संगत ने चाय प्रसाद ले लिया, सबका ध्यान शब्द में लग गया। और उसके बाद गुरुजी ने पहले से ही कह के स्पेशल लड्डू बनवाए थे, मोती बूंदी के लड्डू थे वो, और वो गुरुजी ने मंगवाए। अचंभे की बात ये थी कि काफी जनों को वो लड्डू गुरुजी तोड़ के दे रहे थे, और ये समझ में नहीं आ रही थी कि गुरुजी ने लड्डू मंगवाए, लेकिन वो उनको सारों को मैश करके और फिर वो प्रसाद बांट रहे हैं।
उसके बाद गुरुजी के लिए जल लाया जाता था एक बहुत बड़े डोंगे में, जिस डोंगे में वो अपने हाथ धो सके। तो वो डोंगा जब आगे किया जाता था, गुरुजी अपने दोनों हाथ उसमें डालकर और धोते थे, फिर वो तौलिए से पोंछ लेते थे। हम लोग जब वो लेके जाते थे तो आपस में उसको चरणामृत वो हमारा बन जाता था और आपस में हम उसको शेयर कर लेते थे। हालांकि गुरुजी ने कभी नहीं बोला कुछ ऐसा करने के लिए, लेकिन इट वाज ऑटोमेटिक के वो गुरुजी का जो है चरणामृत ही है। उसकी फ्रेग्रेंस इतनी ज्यादा होती थी जो गुरुजी के अपनी बॉडी में से इमिट होती थी, वो फ्रेग्रेंस उस चरणामृत में से आती थी। उसके बाद गुरुजी सबको लंगर खाने के लिए उठा देते थे और उसके बाद आज्ञा दे देते थे। तो जब गुरुजी के लिए थाली आई तो गुरुजी ने मुझसे ये कहा कि एक खाली प्लेट लेकर आ और एक रोटी उसमें रख दे, एक एक चम्मच सब्जी दाल वो भी रख दे, और जहाँ रसोई में ना कहीं ऊपर की जगह जहां कोई हाथ ना दे सके तो उधर जाके रखा। दैट मेंट के मैं वो एक रोटी लूं जो गुरुजी ने दी, उसके साथ एक चम्मच सब्जी, एक चम्मच दाल, और वो गुरुजी ने बोला कि कहीं ऐसे स्थान में रखा हो जहां पे दूसरों का हाथ ना लगे। बताया गुरुजी ने कि जब संगत के बाद सारी संगत घर चली जाएगी तो इस घर में जितने मेंबर हैं वो आपस में एक एक ग्राइं उसको तोड़ के और वो ग्रहण कर लें। दूसरी रोटी जो गुरुजी को अर्पण करी थी, गुरुजी ने बोला बिना देखे जा इसको लंगर में डाला। तो मैंने ऐसा किया और वापस मैं गुरुजी के पास आई। मैंने बोला गुरुजी आप क्या खाएंगे फिर? तो उस जमाने में हमारी मदर इन लॉ पूरे हो चुके थे, शी वॉज नो मोर। तो गुरुजी ने बोला एक फुल्का दरानी, एक फुल्का जिठानी, दोनों एक एक लेकर आओ और मैं ग्रहण करूंगा। और फिर हमने ऐसा ही किया और गुरुजी ने उसको ग्रहण किया। जहां गुरुजी बैठे थे उन्होंने पहले ही मुझसे पूछ लिया था मुझे कहाँ बिठाएगी। तो नेचुरली घर के अंदर मैंने बताया गुरुजी ड्राइंग रूम में। तो उन्होंने बोला वहां रोशनी है। मैंने कहा हाँ जी है, अभी हाल ही में लाइट बदलवाई है, तो जहां संगत बैठेगी वहां रोशनी है। मैंने कहा हाँ जी वहां पे भी रोशनी है, चारों तरफ है, दीवारों पे भी है। मैंने कहा हाँ जी दीवारों पे भी है। गुरुजी ने हमेशा सभा जब भी लगाई उन्होंने रोशनी में लगाई। उन्होंने कभी भी सिर्फ अपने ऊपर स्पॉटलाइट नहीं करी। रंगीन लाइट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं कि गुरुजी बैठे हैं और उनके ऊपर किसी ने रंगीन लाइट फेंकी हो, तो ऐसा कुछ था ही नहीं। हमेशा उजाला, और हमेशा सांझ के टाइम भी हमेशा गुरुजी सारी बत्तियां जला के और फिर सभा में बैठते थे। कहीं किसी के घर भी जाते थे तो भी वहां सारी लाइट्स जली होती थी और काफी जगह रोशन थी। वो टाइम आज तक बिल्कुल ऐसे याद है जैसे आंखों के सामने एक रील चल रही होती है। और बहुत टाइम पहले किसी ने ऐसे ही जिक्र किया था, 1995 में कोई बाबा आए हैं जी क्योर करते हैं, और हम दवाइयों वाले हंसते थे कि ऐसे कैसे कोई ऐसे बिना दवाई खाए बिना डॉक्टरी इलाज ऐसे कैसे कोई क्योर करने हैं, कौन कर सकता है ऐसे, कोई नहीं कर सकता। तो कुछ टाइम नहीं जाना हुआ, लेकिन जब जाना हुआ उसके बाद गुरुजी ने अपने पर्दे हटाने शुरू करे, और जब वो पर्दे हटे तो यही समझ आई जो उन्होंने समझाया कि एक परमात्मा का साक्षात रूप है ये, और ये परमात्मा की ही जोत है जो यहाँ हम इंसानों के लिए ब्लेसिंग्स भरे भंडार लेकर आए हैं हमें ब्लेस करने के लिए। गुरुजी के अल्फाज एक बार ये थे, मैं माफ करन आया हूं। दैट मेंट कि मैनकाइंड ने जो भी किया हो, एक चांस गुरु हमेशा देगा कि आपको अपना अगर सुधार आप चाहते हैं तो आपको गुरु के आगे सरेंडर करना पड़ेगा। जब हम नए थे तो गुरुजी ने हमें एक चीज बोली, मुझको सरेंडर कर दो, और सरेंडर
आत्मसमर्पण जो था वो अपनी आत्मा का और अपनी सोच का और अपनी सारी चीजों का, मतलब आपकी फैमिली, आपकी जो भी चीजें हैं, चाहे वो आप किसी रूप में उनको टेंजिबल गुड्स कह सकते हो या आप इनटेंजिबल गुड्स कह सकते हो, या आप कुछ भी अपने पूरे इंसानी रूप को कह सकते हो, वो आप परमात्मा के चरणों में जब तक भोले भाव समर्पण समर्पित नहीं करते, तो गुरुजी कुड नॉट मूव फॉरवर्ड। गुरुजी अपना काम नहीं उस तरीके से कर सकते थे जिस तरीके से वो चाहते थे। इसीलिए उन्होंने हमेशा यही बोला कि अपनी इंटेलिजेंस जो है वो बुए के बाहर, दरवाजे के बाहर जब जूते उतारते हो तो अपनी इंटेलिजेंस भी वहां रख कर आया करो। यहाँ उसका कोई काम नहीं, यहाँ कुछ भी साइंटिफिक नहीं चल रहा, यहाँ सिर्फ मेरी ब्लेसिंग्स चलती हैं और तुम अपनी ब्लेसिंग्स लो। एक बार जब हम नए थे तो काफी लोग गुरुजी के पास आए उस समय, और गुरुजी ने एक दो तीन अलग अलग जो लोग आए थे सबको बोला कि जितने कल्याण मैंने तुम्हारे करे हैं इनको सुनाओ। हमने सबके कल्याण सुने, कईयों को जीवन दान दिया गुरुजी ने, कईयों की बीमारियां ठीक करी, कईयों की परेशानियां ठीक करी। और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने बोला, वो जमीन पे ही गुरुजी के साथ ही बैठे थे, हम सारे वहीं बैठे थे, और भोले भाव उन्होंने पूछ लिया कि गुरुजी आपको नहीं लगता कि आप अपनी वढ़ियाई करा रहे हो, एक को बोल रहे हो जितने कल्याण मैंने तुम्हारे करे हैं इन सबको सुनाओ, डोंट यू थिंक इट्स वेरी पॉम्पस गुरुजी? तो गुरुजी ने बहुत स्माइल करके उनका जवाब दिया, उन्होंने बोला नहीं, ए कलयुग, मैं कहूंगा विश्वास नहीं आंदा, खड़के तुसी सुनाओगे ते विश्वास आंदा है। मेरे ब्लेसिंग्स देन दे तरीके बतेरे हैं, एने तरीके ने कि मैं गुप्त कल्याण कर जाना, हाँ लोगों नु पता भी नहीं चलता, ओ गुरु ही की जो दस के कल्याण करे। गुप्त कल्याण दे बतेरे तरीका विचो एक ए है, जो बोलदा है उदा भी भला, जो सुनदा है उदा भी भला, दोनों तरफ मेरी ब्लेसिंग्स चल रही होंदिया ने, वो पता करना तुहाडा कम नहीं, तुसी अपनी ब्लेसिंग्स लो। उसके बाद अक्सर गुरुजी सत्संग कराया करते थे, सत्संग गुरुजी की टर्मिनोलॉजी में संगत करना वो बोलते थे। किसी को भी जिनको उन्होंने ब्लेस किया होता था वो उनको बोलते थे कि अपनी आप बीती सुनाओ, जो जो मैंने तुम्हारे लिए कल्याण करे हैं तुम सुनाओ। और वो कैसे ट्रांसमिट होती थी ब्लेसिंग्स, वो सिर्फ गुरुजी को पता है, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि ये तरीका उनका है ब्लेस करने का और उन्हीं को पता है कि वो ब्लेसिंग्स कैसे ट्रेवल होती हैं। जब मैं पहले मुझे गुरुजी के बारे में पता चला तो थोड़ी सी हिचक जरूर हुई, लेकिन उसके बाद मन में ये था कि मेरा बच्चा, 7 साल का मेरा बेटा, गले की वजह से काफी परेशान रहता था और हर महीने उसको बुखार आता था। बुखार कई बारी इतना तेज हो जाता था कि बच्चे को पट्टी करनी पड़ती थी ठंडे पानी की। मैं मन ही मन ये सोच रही थी कि मैं सुन रही हूं लोगों से कि ये कितने कल्याण कर रहे हैं, कितनी भयानक बीमारियां ठीक कर रहे हैं, तो ये तो इनके लिए कुछ बड़ी बात नहीं होगी। और मेरी टांगे मेरी बिटिया के बाद बहुत दर्द करती थी, हिप से लेके टोज तक इतनी दर्द के कई बार मेरी चीखें निकल जाती थी और दवाई भी असर नहीं हो रही होती थी। मन में मेरे ये था कि मेरा भी कल्याण हो। उसके बाद जब हम गए गुरुजी के पास तो उन्होंने बोला कि मैं कहीं जा रहा हूं, कुछ 40 गाड़ियां मेरे पीछे आ रही हैं, तुम भी अपनी लगा लो। हम जब वहां गए तो गुरुजी अपने आप को एक कमरे में उन्होंने कर लिया बंद और मैं वहां खड़ी रह गई। मैंने देखा कि यहाँ तो किसी का ड्राइंग डाइनिंग है और सारे जमीन पे बैठे हैं, मैं तो जमीन पे बैठ नहीं पाऊंगी, मेरी टांगे बहुत दर्द करती थी। तो मैं एक कोने में जाके खड़ी हो गई। कुछ टाइम बाद गुरुजी बाहर आए, काफी सारे लोग थे उनके दरवाजे के बाहर, वो सीधा मेरी तरफ आए और इशारे से उन्होंने मुझे खड़े होने को बोला। मुझे नहीं पता कि मैं कब थक के बैठ गई, और जैसे मैं खड़ी हुई तो उन्होंने बोला 10। मैंने कहा जी मेरा मुंडा, कहते हैं उसकी छोड़ अपनी बता, तुझे क्या प्रॉब्लम है? तो मैंने बोला जी मेरी टांगे बहुत दर्द करते हैं। तो उन्होंने बोला यहाँ इतनी देर तू बैठी रही, क्या तुझे दर्द हुई? एकदम से ख्याल आया कि कब थक के बैठ गई मुझे नहीं पता, और दर्द बिल्कुल नहीं थी। और उनके अल्फाज थे,
आज के बाद कभी नहीं होगी, वो दर्द कभी लौट के नहीं आई। मेरा बेटा बिल्कुल ठीक, गुरुजी ने सिर्फ इतना बोला था, घर में चावल बनाना और खाना बंद कर दो। मैंने धीरे से उनको बोला, जी जॉइंट फैमिली है। कहते हैं तू, तेरा घर वाला, तेरे दोनों बच्चे, सारी उम्र ना चावल खाओगे ना वर्तोगे, और इसको सोने का ओम पिना दे। मन में सोचा सोने की चेन में, आगे से जवाब आया, पीले धागे में पिना दे फिर। तो ही कुड रीड माइंड्स ऑल्सो, आई कुड फील दैट ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग। बट मैंने दिल में यही सोचा कि हाँ, कई लोगों में शफा होती है, वो दूसरों को ठीक कर सकते हैं, तो मे बी ही इज ऑफ दैट काइंड, के ये लोगों का मर्ज ठीक कर सकते हैं। कुछ टाइम बाद गुरुजी वापस चले गए। दिल्ली उन्होंने बंद कर दिया, मतलब दिल्ली की जो संगत थी उनको मना कर दिया कि यहाँ मत आया करो। हमें नहीं पता था, हम थैंक यू बोलने के लिए गए, और उसके बाद गुरुजी ने फिर हमको हर हफ्ते बुलाना शुरू कर दिया, फ्राइडे सैटरडे संडे। और कई बार ऐसा बोलते थे कि चलो चलो फिर दिल्ली, एंड देन अगले हफ्ते फिर आना। और एक बार जब उन्होंने नहीं बोला तो भी हम पहुंच गए, लेकिन वो आई डोंट थिंक वी डिड द राइट थिंग, क्योंकि गुरु का जब हुक्म होता है सिर्फ तब आप उनको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते थे। तो गुरु जी ने जब जब वहां बुलाना, तब तब उनकी मौज होनी, उन्होंने कुछ 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 हमारे साथ बैठ के और कभी कहीं ले जाकर बोलना शुरू करना, और वो बातें जो हैं वो गुरुजी की एक एक प्रसाद की तरह एकत्रित की हुई हमारे पास उनकी देन है। वहां सभा नहीं लगती थी जलंधर में जब तक गुरु का हुक्म नहीं होता था, तो कई बार गुरुजी कुछ लोगों को ही अंदर आने की आज्ञा देते थे, और कई बार एकदम से लोगों का आना शुरू हो जाता था और गुरुजी बोलते थे कि आने दो। देखते ही देखते पूरा दरबार भर जाता था। ऐसे ही एक दिन पे जब पूरा दरबार भर गया, मेरी उनका तौलिया जो था हाथ पोंछने वाला, उसकी ड्यूटी लगती थी, तो मैं जब होती थी वहां मैं वो लगाती थी साफ सभा से पहले। तो उन्होंने इशारा करके मुझे बुलाया, तो मैंने सोचा कि अभी तो तौलिया लगाया था, पता नहीं शायद मैला होगा, बदलने को कह रहे होंगे। मैं आगे गई, जैसे ही मैं आगे गई उन्होंने हाथ उठा के, एंड ही जस्ट प्रोड्यूस्ड प्रसाद, एंड ही सेड ले। इट वाज सचखंड का प्रसाद जो गुरुजी अपनी शक्ति से आप प्रकट करते हैं, और वो शक्ति गुरु की ही बताई हुई बात है, युगों युगों के तप से उनकी वो शक्ति, वो चाहे वो किसी को प्रसाद रूप में वो दे सकते हैं जिससे कि उस इंसान का कल्याण हो। गुरु जी का वो प्रसाद मैंने उनकी परमिशन से कुछ अपने माँ बाप के लिए ले जाना चाहा, और गुरु जी को ये बताया कि उनसे मिलने से पहले मेरे पापा के दो हार्ट अटैक हो चुके थे। तो कहते हैं हार्ट का तो मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, तो ये बोल के मुझे कहा तू फिक्र ना कर, और जाके अपने कमरे में उन्होंने दरवाजा कर लिया बंद। मैं वहां खड़ी रह गई ये सोचकर कि दो हार्ट अटैक तो हो गए और मुझे कह रहे हैं फिक्र ना कर। तो जब मैं दिल्ली आई, मुझे पता चला कि मेरे पापा का थर्ड हार्ट अटैक हुआ। सबसे पास के हॉस्पिटल में उनको ले जाया गया, और वहां के अस्पताल के डॉक्टरों ने बोला मेरी माँ को कि आपको जिसको बुलाना है आप बुला लीजिए, पेशेंट की हालत काफी सीरियस है। मैंने अपने हस्बैंड को घर भेजा वो प्रसाद लेने के लिए जो गुरुजी का दिया हुआ था, और आईसीसीयू में जाकर उनकी जबान के नीचे मैंने बिल्कुल थोड़ा सा चूड़ा जो मिश्री का था, मैंने वो उनकी जबान के नीचे रख दिया। मेरे पापा अनकॉन्शियस थे और हर जगह से मुझे तो सिर्फ ट्यूब्स ही नजर आ रही थी। जब उनके अपने डॉक्टर उस अस्पताल पर पहुंचे और उन्होंने बोला कि ईसीजी निकालिए, उन्होंने वहां के जितने डॉक्टर्स थे सबको बुला के झाड़ दिया कि ये डाइजेशन का केस आईसीसीयू में क्या कर रहे हैं। तो डॉक्टर्स ने उनको वो रिपोर्टें दिखाई जब पेशेंट वहां लाया गया था, जो कि बहुत सीरियस थी, और ईसीजी काफी बिगड़ी हुई थी। खैर, पापा को जब डिस्चार्ज मिला, हम भागे जलंधर गुरुजी के पास उनको थैंक यू बोलने के लिए। जैसे ही हम अंदर आए तो एक जाली का दरवाजा होता था वहां पे, और जैसे ही उसको खोला देखा कि 10 लोगों के साथ गुरुजी जमीन पे बैठे हुए हैं। मैं जैसे ही अंदर आई,
मुझे कहते हैं आ जा फिर, जितने कल्याण मैंने तेरे करे हैं ना इन सारों को बता और प्यो दा लेटेस्ट भी दस दे। मैं उनको क्या बताने जा रही हूँ, उनको तो पहले से ही पता था और इसीलिए शायद उन्होंने मुझे ये बोला था तू फिकर ना कर। एक दिन मुझे बुला के बोला गया जे मैं तेनू दसांगा तेनू की है तेरे पैरा तले जमीन खिसक जाएगी। मैंने उनको बोला जी मुझे दसना ना गुरु जी, मैं सब कुछ देख चुकी, आप क्या क्या कर सकते हो, आप मुझे क्यों बताओगे, आप प्लीज मुझे कुछ नहीं बताना। फिर उन्होंने बोला मैं तेनू 5 साल बाद दसांगा। मैंने उनको तब भी मना करा गुरु जी आप प्लीज मुझे कुछ भी मत बताना। 5 साल मुझे गुरु जी ने बिना दर्शन के रखे। बाद में मुझे बताया गया कि कुछ कल्याण ऐसे होते हैं मैं पास रख के कल्याण नहीं कर सकता, मैं अपने इंसान की जूनी में जो आया हूं मेरी इस जूनी की कोई मर्यादा है और उस मर्यादा का मैं भी उल्लंघन नहीं कर सकता। तो कुछ केसेस के लिए जैसे कि मेरा था, उन्होंने ये ठीक समझा कि मुझे दूर रखा और मेरा कल्याण किया। जब 5 साल पूरे हो गए मैंने अरदास करी, मैं किसी से आपकी कोई तस्वीर नहीं मांगूंगी गुरुजी, आप कुछ भी करके मुझे एक फोटो दो। गुरुजी की फोटो कभी भी मैगजीन में न्यूज़पेपर में देना मना था गुरुजी के ही हुक्म से, लेकिन फिर भी एक फोटो आई और उसी मैगजीन में आई जो मेरे हस्बैंड लेते थे। वो पन्ना निकाल के मैंने बेडसाइड ड्रॉर में रख लिया था और मैं हुक्म की वेट कर रही थी। एक दिन मैं अपने काम से वापस आई और मेरा बिल्कुल सांस उखड़ गया, ना मैं ठीक से ब्रीद इन ना ब्रीद आउट कर पा रही थी, और सिर्फ हस्बैंड और मदर को फोन करा, कांट ब्रीथ इतना ही बोल पाई। बेटा ऑक्सीजन सिलेंडर लेने भागा था, बेटी नेबर के घर के मेंबर्स इधर उधर भाग रहे थे, हेल्प करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। और तब जब मैं अकेली थी उस कमरे में मैंने वो फोटो निकाली गुरुजी की और गुरुजी की फोटो से अरदास करी, गुरुजी मैनू सा नहीं आ रहे। और बड़ी अजीब सी सेंसेशन मेरी गर्दन के पीछे हुई और मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे सांस दिया। गुरुजी ने ही मुझे बताया था दूर बैठा कोई मेरे कोल नहीं आ सक रहा, ते जे मेरी फोटो नाल भी वो गल कर ले मैं सुनना। और दूसरी बात उन्होंने ये एक बारी बोली थी, जद अंत आंदा घर दा कोई भी मेंबर कम नहीं आंदा चाह के भी, सिर्फ गुरु कम आंदा है, सिर्फ गुरु गति दे सकता है। तो गुरु में ही इतनी शक्ति होती है कि वो आपको मरने से भी बचा सकते हैं। गुरु जी का ये कहना था गुरु युगा युगा दे तप तो पिजे होंदे ने, बहुत सालों के तप से गुरु बिल्कुल रसे होते हैं और वो अगर अपनी कमाई में से निकाल के किसी को जीवन दान देना चाहें तो वो दे सकते हैं और ये शक्ति गुरु जी में है, ये शक्ति आज भी गुरु जी में है। आई अंडरलाइन दैट, अगर कोई ये मुंह से निकाले कि अब तो गुरु जी है नहीं तो आप फिर गलत बोल रहे हैं, क्योंकि गुरु जी हैं। गुरु जी आज भी हमारा एक एक बोला हुआ अल्फाज सुन रहे हैं, एक एक करीबी चीज देख रहे हैं और हर चीज को मॉनिटर खुद कर रहे हैं। ही कैन सी, ही गिव्स यू अ चांस। आगा तो हर एक ने खुद ही भुगतना है अपना, ये तो मतलब बचपन से ही हमें सिखाया जा रहा है, तो इसमें तो कोई नई बात है ही नहीं। सो देर इज एवरीथिंग फॉर अस इफ वी आर जस्ट गोइंग द स्ट्रेट वे। अगर हम ऐसे सोच लें कि जी गुरु को नजर ही नहीं आता तो वो गलत, गुरु को सब नजर आता है, गुरु सब कुछ देख सकता है और गुरु सब कुछ ठीक कर सकता है। अगर आज हमारी जिंदगी में कुछ भी अप एंड डाउन है, गुरु जी हमेशा कहते थे लाइफ इज नॉट इजी बट प्रेयर कैन सॉर्ट आउट एवरीथिंग। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स गुरु की ही हेल्प से आपके ही प्रेयर से वो अपने आप ठीक होता चला जाएगा। ये हमें भी नहीं पता कि क्या हिसाब हो रहा है क्या किताब हो रहा है, वो बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट मैं अपने लिए कह सकती हूं मैं तो जीरो ज्ञानी, आई डोंट नो एनीथिंग, माई गुरु नोज एवरीथिंग, ही डज एवरीथिंग वेन एवर ही थिंक्स राइट, दैट्स इट। जो मेरी इंसानी बुद्धि में जो भी मैं अपनी चेष्टा से करना चाहूं या आगे बढ़ना चाहूं जिंदगी में मैं उसको फॉलो कर रही हूं। गुरु जी ने बहुत साल पहले मुझे जब
पहले मेरी लेग्स के लिए ब्लेस किया था. ही हैड गिवन मी अ ब्यूटिफुल ब्लेसिंग ऑफ हैविंग अ स्कूल ऑफ माई ओन. और मैंने उनको उसी टाइम कॉन्ट्रडिक्ट करा और बोला, नहीं, आपको गलत फहमी है, मेरा कोई स्कूल नहीं है, मेरी मम्मा स्कूल चलाती हैं, स्कूल उनका है, मैं कुछ नहीं करती गुरुजी. तो ही सेड, नहीं, तेरा अपना है, मैं देख लेता है. जब मैं उनको थैंक यू बोलने जलंधर गई, वहां पे उन्होंने एक जेंटलमैन के साथ मुझे बिठाया और मुझे बोला, जो मैंने तेरे को स्कूल की ब्लेसिंग दी है, अनुदास. और फिर वो कमरे से बाहर चले गए. मैं और अंकल वहां बैठे रह गए और मैं उनको देख के हंसने लग गई कि मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं था कि ये गुरुजी ने ऐसे बोला है. और इट कान बी पॉसिबल. गुरुजी वापस आए कमरे में और जहां हम दोनों जमीन पे बैठे थे वहीं पे बैठ गए और उंगली ऐसे करके मुझे बोलते हैं, गुरुआ दी गल पत्थर दी लकीर होंदी है, स्कूल खुलेगा बहुत वधिया चलेगा, ते मैं वेख लेता है ते तू वेखी. उसके बाद मैंने नहीं बोला कुछ भी. कुछ टाइम बीता और मुझे एक दिन इसी बारे में बताया गया, गुरुआ नू कदी भी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर दे. मैंने उनकी बात को कॉन्ट्रडिक्ट किया था, ये मेरी गलती थी, मुझे नहीं करना चाहिए था. और जैसे जैसे गुरुजी का स्टैचर पता चलता चला गया कि ये एक ऑर्डिनरी सेंट नहीं है, ये परमात्मा की जोत है और इनमें इतनी शक्ति है कि इनके द्वार पे कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है. इसीलिए कभी भी आप में से कोई भी हिम्मत कभी ना हारे, कभी नहीं. कीप गोइंग, जस्ट कीप गोइंग, बिकॉज गॉड इज देयर फॉर यू. भगवान है. गुरुजी के अल्फाज थे, लोका ने रब नू खिडौना समझ लेता, वखरे वखरे ना दे देते, वखरे वखरे रिलिजन दे देते, रब इक्को ही है एंड गॉड कैन सेट राइट एवरीथिंग. उनके अल्फाज थे, लोकी रब नू भुले बैठे ने, मैं याद दिलान आया हाँ कि रब है. द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू डू इज सरेंडर योर सोल टू गुरु जी, के गुरु जी आप मुझसे ज्यादा मेरे बारे में जानते हो और आप मेरा भला जितना चाहते हो उतना शायद इस धरती पे कोई नहीं चाहता होगा. तो आपको मेरा टोटल आप अर्पण, आपको अर्पण, आपके चरणों में अर्पण. जस्ट सरेंडर एंड लेट हिम टेक ओवर योर लाइफ. कभी भी उनसे कुछ भी मटीरियलिस्टिक मांगने की जरूरत नहीं. उनको पता है, हम में से सारों का पता है कि किसको क्या जरूरत है और किसको किस टाइम क्या देना है. ये उनको पता है, वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देख रहे हैं और हर चीज उनको सब क्लियर नजर आती कि क्या है. गुरुजी आज भी गद्दी पे विराजमान हैं. मेरे फादर इन लॉ ने उनको पूछा था कि गुरुजी, मेरे जो फैमिली के महाराज हैं, बाबा लाल जी महाराज, जो गुरुजी ने बताया ही इज एन ऑथेंटिक गुरु, तो वहां पे तो गद्दी चलती है गुरुजी, तो आपके बाद कौन? तो स्माइल करके गुरुजी ने बोला, पहले भी मैं, हुन भी मैं, तो बाद इच भी मैं, ऐसे कोई गद्दी नहीं चलती, ऐसे मैं ही हाँ. तो हम आज भी देखते हैं कि गुरुजी की गद्दी अपनी जगह है और गुरुजी उस पे विराजमान हैं. उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही थी जिनसे बिल्कुल स्पष्टीकरण होता था कि कभी भी वो अपना बुत नहीं बनाना चाहते थे, कभी भी उन्होंने अपने आप को सेंटर स्टेज नहीं रखा. हमने ये बड़े मंदिर में भी देखा कि गुरुजी ने शिव की मूर्ति की स्थापना बीच में करवाई और अपनी गद्दी उन्होंने साइड पे रखवाई. ही वॉज फुल ऑफ ह्यूमिलिटी, फुल ऑफ ह्यूमिलिटी. आई थिंक आई नीड टू लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम, अ लॉट. ही वॉज अ वेरी सिंपल पर्सन हु हैड नो वर्ल्डली डिजायर्स एट ऑल. जो आपको नजर आता है वो तो ब्लेस करके वो आगे दे देते थे. एक अगर एक तरफ से आ रहा है तो वो दूसरी तरफ से जा रहा है. ही वुड जस्ट ब्लेस एंड ही वुड जस्ट मूव इट फॉरवर्ड एज प्रसाद. और हर चोले का एक मतलब था, हर चोले के रंग का एक मतलब था. कई बार जब वो हुक्म किसी को अगर देते थे, कई बार वो स्पेसिफाई करते थे
ये रंग और ये वाला रंग नहीं। आज भी जो गुरु जी की जो फोटोग्राफ्स हैं, मैं हाथ जोड़ के आप सबसे कहती हूँ, कोई भी अगर उसके रंग को बदलता है प्लीज मत करिए, क्योंकि वो गुरु जिस चोले में थे उस चोले में से वो प्रसाद इमिट कर रहे हैं, तो डू नॉट ट्राई टू मेडल विद दैट। उनको वो रिस्पेक्ट देनी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो उनको पता है कि उन्होंने वो पहना और कहां आगे वो चला गया चोला, किसी और को चला गया एज प्रसाद। टुडे ऑल्सो एवरी थिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू गुरुजी's विल, जस्ट सरेंडर एंड दैट इज द बेस्ट थिंग दैट वी कैन ऑल डू। बड़ी सिंपली एक बार गुरुजी ने बोला था, इंसान मर के किसी कम दा नहीं, जानवर मर के भी कम आ जाते ने, उन्हां दे बेल्ट जूते बटुए बन जाते ने, खांदे भी कम आ जाते ने, लेकिन इंसान किस कम दा, इनका इंसान मर के किसी कम दा नहीं। जे जिन्हें जी और रब दा शुकराना कर ले उदे वास्ते एना ही काफी है, ऐस वास्ते शुकराना करना चाहिए। सो ही टॉट कि हमें जरूर भगवान का शुक्राना करना चाहिए, हर छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी चीज जो हमारी जिंदगी में है वो ऐसे ही ठीक नहीं है, बहुत बड़ा हाथ है उसमें गुरु का, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है भगवान की, जो वो सब चीजें जो ठीक चल रही हैं वो ठीक चल रही हैं, उनकी कृपा से चल रही हैं, और इस चीज का शुक्राना जरूर करना चाहिए। हम सबके पास गुरु है, और जिसके पास गुरु है उसकी झोली हमेशा भरी रहती है, कभी खाली नहीं है, भरी है। अपने आप को हमने यही पॉजिटिव टॉक देनी है, क्योंकि गुरु जी ने ये सिखाया था, पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव हो, दीज वर हिज वर्ड्स, कि पॉजिटिव सोचने से आपके जो भी सर्कमस्टांसेस हैं वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं, तो पॉजिटिव सोच के ही हमें आगे चलना है। थैंक यू वेरी मच इस प्लेटफॉर्म का, आप सब जो गुरु दरबार के लिए आप कर रहे हैं, आप इतनी मेहनत से पूरी वर्ल्ड वाइड संगत को जोड़े हुए हैं, और कितने लोगों का इसमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स जो हैं वो लोगों तक आप, इट्स सो ब्यूटिफुल, वर्ड्स फेल मी, वर्ड्स रियली फेल मी, क्योंकि आप सब जो काम कर रहे हैं शायद हमारे जैसे वो नहीं कर पा रहे हैं, हम नहीं कर सकते जो शुक्राना गुरुजी महाराज दा मल्टीलिंगुअल ग्रुप कर रहे हैं। सो हैट्स ऑफ टू यू, एंड यू आर सो ब्लेस्ड ऑल ऑफ यू कि ये सेवा आपकी झोली में आई, एंड बी ब्लेस्ड एंड स्टे ब्लेस्ड, एंड द ब्लेसिंग दैट गुरुजी गेव अस वाज ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, जिसमें उन्होंने बताया शिव ओम मैं हूं, ये करके गुरुजी ने बताया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग वेरी क्लोज टू द संगत, एंड थैंक यू अगेन ऑल ऑफ यू, थैंक यू गुरुजी महाराज। जय गुरु जी महाराज, सबीना आंटी जय गुरु जी, जय गुरु जी अंकल। सबीना आंटी एक छोटी सी विनती है हाथ जोड़ के। हाँ जी जरूर, हुक्म करो आप। नहीं, गुरु जी महाराज से वही थोड़ी सी इंट्यूशन हुई है कि 20 मिनट का सत्संग संगत शेयरिंग आप कर सकती हैं प्लीज, 20 मिनट के लिए। आप संगत भूखी बैठी है, लालची बैठी है, सच्ची हम आपको लूटना चाहते हैं, प्लीज। हाउ मच टाइम डू आई हैव अंकल? 20 मिनट्स। हाँ जी, 20 मोर मिनट्स, थैंक यू। हाँ जी, I got around 20 messages within 1 minute. हाँ जी, हाँ जी, right. So, एक टाइम याद आता है जब गुरु जी ने he had taken us somewhere and वहां पे उन्होंने मुझे ये बोला कि इस शॉपकीपर को बोल के अपना रेट डाउन करे। तो एक शॉल की दुकान थी, तो वहां पे एक कश्मीरी भाई थे, शॉल बेच रहे थे, तो गुरुजी ने बोला कि नेगोशिएट विद हिम। तो शुरू में तो मुझे थोड़ी झिझक हुई, बट देन गुरुजी पुश मी फॉरवर्ड कि नहीं जा कम करा, क्योंकि गुरुजी खड़े थे तो मुझे थोड़ी सी वो बार्गेनिंग करने में थोड़ी सी शर्म आ रही थी। बट आई वॉज टॉट दैट इट्स ओके टू सेव योर मनी, एंड
बागेनिंग के बाद गुरुजी ने मेरे को धीरे से बोला, एनु क्या अगर ये डिस्काउंट देता है तो इसको 100 गुना होकर आएगा। तो मैंने उनको यही बोला। खैर उन जेंटलमैन ने डिस्काउंट बहुत अच्छा दिया, अगली दुकान में गए। जब अगली दुकान में गए तो वहां पे भी वो भाई थे जो डिस्काउंट देने के लिए बिल्कुल राजी नहीं थे और अड़े हुए थे अपने रेट पे। तो फिर से गुरुजी ने मेरे को बोला, एनु क्या कम करे। तो धीरे से मैंने बोला, इसको गुरुजी फिर 100 गुना नहीं, एनु सिर्फ 10 गुना, एनु 100 गुना नहीं। सो आई वॉज देयर एंड लिसनिंग टू हिम, एंड मतलब उनका जो अपनी ही रूहानियत थी, जिस तरीके से वो जिसको ब्लेस कर रहे थे, कोई एक सेट रूल नहीं था, वो कभी भी किसी को कहीं भी ब्लेस कर सकते थे। मेरे पापा को बताया गया कि उनको लिम्फोमा है, कैंसर ऑफ द लिम्फ ग्लैंड्स, और अस्पताल वालों ने कुछ ऐसा बताया इनडेफिनेटली, 3 महीने मैक्सिमम, 6 महीने। खैर रिपोर्टें इधर उधर ले जाई गई, लेकिन जवाब यही आता था, मैक्सिमम 6, मिनिमम 3, नॉट मोर देन दैट। हमें पता चला कि गुरुजी आए हुए हैं दिल्ली। उस समय कोई बड़े मंदिर की स्थापना नहीं हुई थी, तो जहां गुरुजी थे वहां आपको आज्ञा लेके अंदर जाना पड़ता था। हम जब अंदर गए तो वहां देखा कि कोई भी नहीं है, हम बड़े आराम से गुरुजी से बात कर सकते थे, क्योंकि वो जमाना था जब गुरुजी कहते थे कि अरदास मुंह कड्डो। बाद में उन्होंने कुछ टाइम बाद ये हुक्म जारी किया कि जो जहां बैठा है, मैं टेलीपैथी से सबकी बात सुनता हूँ और बिल्कुल भी किसी को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, मन में बात करो और मैं सब बात सुनता हूँ। फिर उन्होंने एक बात और भी बोली थी कि मुंह नहीं कड़ना, कम पुट्ठा हो जाता है, मतलब मुंह से आप बोल ही नहीं पाते थे, आपको चुप करके बैठना था जब तक गुरुजी आपको आगे नहीं बुला लेते थे। खैर हम गए दोनों जने, हमने देखा हस्बैंड वाइफ ने कि गुरुजी अपनी सेटी पे बैठे हैं और बहुत ज्यादा डिसकंफर्टेड हैं, आलती पालती कभी इधर कभी उधर। हमें ये पता था कि गुरुजी जब किसी का मर्ज अपने ऊपर लेते हैं तो वो सारा कष्ट खींच लेते हैं उस इंसान का, और क्योंकि वो इंसान की जूनी में है तो उनको वो कष्ट भोगना पड़ता है। और हम कुछ भी कह नहीं पाए, हम वहां से लौट आए, बाहर हमने यही बोला एक दूसरे को, इतने बड़े महापुरुष को हम क्या बताने आए हैं, ये तो ऑलरेडी कष्ट लेके बैठे हैं, या हमारा या पता नहीं किसका, लेकिन कैन से एनीथिंग। तो जब हम गए, कुछ दिन बीते, गुरुजी ने एक फोन कॉल करी मुझे और मुझे बोला कि जल्दी से हस्बैंड और तुम जल्दी से आओ, और मैं किसी के जा रहा हूँ ब्लेस करने उनका घर, तो फटाफट पहुंचो। तो हम जब गए तो मैं पीछे जाके बैठ गई बिल्कुल। उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे इशारे से साथ बैठने के लिए बोला, और बाकी सबसे हंसी से वो बात कर रहे थे। बहुत अच्छा माहौल था क्योंकि किसी की हाउस वार्मिंग थी, सब बहुत खुश थे सिवाय मेरे, क्योंकि मेरे फादर हॉस्पिटल में थे और वहां पे हम लोग जाते थे दिन में एक बार। बिल्कुल मन नहीं था और मैं मन में ये सोच रही थी कि मुझे क्यों यहाँ बुलाया गया, क्योंकि मेरे से तो अब ये बात भी नहीं कर रहे। एकदम से मेरी तरफ देखा और हाथ ऐसे आगे करके मुझे बोला, तेरे प्यो का कैंसर ठीक कर देता है मैं, तेरे पापा का कैंसर ठीक कर दिया है मैंने। मैंने तो मुंह से भी बात नहीं निकाली थी कि मेरे पापा को क्या बता रहे हैं हॉस्पिटल वाले। खैर कुछ टाइम बीता और रिपोर्टें चेंज होनी शुरू हो गई मेरे फादर की। वहां से हम अपने फादर को निकाल के दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए। जब दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए तो वहां उनकी मेमोरी फेल हो गई। फिर गए गुरुजी के पास, उन्होंने बोला काले चने प्रवाह कर दो। तो हमने काले चने जैसे ही प्रवाह करे तो जिनको भेजा था, फैमिली मेंबर थे जिनको भेजा, तो उन्होंने बाद में ये बताया, जब दोबारा हम गुरुजी के पास गए तो गुरुजी देखते ही बोले, चने प्रवाह नहीं हुए, दोबारा करो। तो जैसे ही उनको पूछा कि क्या हुआ, उन्होंने बोला कि पैकेट जो था ना चने का, वो मैं गांठ खोल रहा था तो मेरे हाथ से वो स्लिप होके पानी में ही बह गया। मैंने सोचा बह गए, लेकिन चने वो प्लास्टिक के पैकेट से निकाल के पानी में प्रवाह, मतलब उनको बहाव देना था पानी के साथ। 2 दिन बाद वो दोबारा किया गया, और जैसे किया, मेरे फादर आज तक 85 की उम्र में बिल्कुल ठीक ठाक हैं, ना उनको ओल्ड एज के सिवा कोई और प्रॉब्लम
प्रॉब्लम है, ना ही उनको कैंसर है और ना ही उनका कोई मेमोरी लॉस है. ही इज एब्सोल्युटली ऑल राइट एंड ही इज लिविंग हिज ओल्ड एज वेरी ब्यूटिफुली एज गॉड कुड ब्लेस. एंड ये सिर्फ गुरुजी ही कर सकते थे और कोई नहीं कर सकता. इसके बाद गुरुजी ने हमें बुलाया. कुछ हमने हिमाचली टोपियां गुरुजी को अर्पण करी. वो हिमाचली टोपियां जो थी, मुझे नहीं पता कि गुरुजी ने जब वो ग्रहण करी वो कैसे ग्रहण करी. कुछ टाइम जब बीता तो हमें बुलाया गया, मेरे हस्बैंड और मुझे, और वो सारी टोपियां हमें दी गई और बोला, ये मैंने पहन के तेरे पापा के लिए पाठ किया है, उसको बोल कुछ कुछ टाइम दिन में ये पहन लिया करे और बैठे, बेटर फील करेगा, ऐसे बोला गुरुजी ने. तो जब पापा वो टोपियां पहन के बैठते थे अपने बिस्तरे पे, तो एक दिन मैं उनके घर गई उनको विजिट करने. पूरा कमरा मेरे माँ बाप का जो था वो गुरुजी की अपनी रूहानियत से फ्रेग्रेंट था. गुरुजी की बॉडी में से एक फ्रेग्रेंस इमिट होती थी. वो फ्रेग्रेंस गुरुजी की ही बताई हुई बात है कि उनके युगों युगों के तप से वो अंदर बाहर फ्रेग्रेंट है. और वो फ्रेग्रेंट गुरुजी ने एक बार मुझे ऐसे इशारा करके आगे आने को बोला और ही टोल्ड मी, ही सेड स्मेल माय आईज. एंड मैं बहुत अचंभे में थी कि हाउ कैन आई गो फॉरवर्ड एंड स्मेल हिज आईज, बट ही टोल्ड मी ए प्रसाद है, प्रसाद ले. तो थोड़ा सा आगे होके व्हेन आई स्मेल्ट द आईज, इवन द आईज वर फ्रेग्रेंट, द होल बीइंग एंड द आईज वर फ्रेग्रेंट. आईज में तो कोई इंसान इत्र नहीं लगा सकता. इट वॉज ब्यूटिफुल, इट वॉज हेवनली, आई हैव, इट वॉज इनडिस्क्राइबेबल. आई रियली डू नॉट हैव वर्ड्स कि वो किस टाइप की वो फ्रेग्रेंस थी. तो गुरु जी की वो पूरी फ्रेग्रेंस उस कमरे में उस दिन मुझे आई. और मैंने अपने माँ बाप को पूछा कि आपको ये फ्रेग्रेंस आती है, तो दोनों ने स्माइल करके बोला, हाँ गुरु होते हैं ना यहाँ. सो दे स्टार्टेड बिलीविंग. वी वर स्टॉन्च शिरडी साईं भक्त. एंड गुरु जी को मैंने एक बार बोला कि गुरु जी मैं शिरडी साईं की भक्त हूँ, तो उन्होंने मुझे आगे से जवाब दिया, ओ सी मैं हाँ, मीनिंग ज्योत एक ही है. सो इट वॉज वन ज्योत एंड इट स्टिल इज ऑफ ऑल दैट इज द एसेंस ऑफ गॉड. That is only one truth. He had told me, he said, तू कहीं भी अरदास कर ले, किसी भी डेटी के आगे, किसी भी रिलीजन में, कहीं भी खड़ी होके तू अरदास कर ले, तेरी सारी अरदास एक ही भगवान को आके परवान होती हैं, क्योंकि भगवान एक है. So his message and his teachings were very, very clear that he had come to bless mankind. He is very much around and he is continuously blessing. कितनी बार गुरुजी ने ये बात भी बोली, मेरे को लो कोई चंगी चीज नहीं लेना आंदा, मेरे को लो चंगी चीज लो. चंगी चीज ही मेंट वाज भगवान का नाम लेना. ही हैड एक्सप्लेन्ड कि अगर आप वो ही गुरु से मांग लेते हैं कि हम भगवान का नाम कैसे लें, हम भगवान का नाम लें गृहस्थी में रहते हुए. ही नेवर वांटेड एनी ऑफ अस टू डिसरप्ट आवर फैमिली लाइव्स और टू लीव आवर होम एंड गो ऑन अ माउंटेन एंड सिट लाइक अ सेंट. उन्होंने ये सब कभी नहीं बोला करने को, और कभी भी अपने इष्ट को या अपने रिलीजन को छोड़ने के लिए उन्होंने कभी नहीं बोला. तो उनको सिर्फ यही था कि जहां पे भी हो भगवान का शुक्राना करो और भगवान को याद करो, उसका नाम लो, भगवान हर समय तुम्हारे साथ है. और यही वो चंगी चीज है जो गुरुजी यूज्ड टू से, चंगी चीज कोई मेरे को लेंदा नहीं, हर जना अपना काम करान आ जाता है. कि जो भी किसी का काम हो, चाहे वो मर्ज ठीक कराना हो, चाहे वो कोई अपनी कोई दफ्तरी काम हो, या कोई भी काम हो, या फैमिली का कुछ काम हो, बट ही वॉज एंड इज देयर फॉर ब्लेसिंग ऑल ऑफ अस विद दैट स्पेशल गिफ्ट ऑफ चंगी चीज, अच्छी चीज. क्योंकि वो कहते हैं कि उसमें ही सारे रस आ जाते हैं. अगर आप चंगी चीज गुरुजी से मांग लेते हैं तो बाकी सब चीजें उसी में अपने आप फिट होती चली जाएंगी. एक बार गुरु ने बताया कि कर्म जे तुहाडे चंगे ते तुसी मटीरियलिज्म हर चीज भोगो, कोई मनाई नहीं है. सो ही हैड जस्ट सेड, कीप योर योर डेकोरम स्ट्रेट, कीप इट करेक्ट, कीप गोइंग स्ट्रेट, एंड
यू कैन यूटिलाइज एनी मटीरियलिस्टिक थिंग दैट यू सो वॉन्ट और सो डिजायर. ही हैड नेवर सेड डोंट, बट अगेन किर्थ कमाई वॉज द अंडरलाइनिंग फैक्टर. यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू डू इट ऑनेस्टली, बिकॉज repercussions definitely are there if we are not going straight. So for that, he had always taught the righteous way. No guru will ever tell you any other way. It is always the straight way. And ek bar, jab hum Punjab mein the aur Guruji ka bahut bada wahan kahin function hua, to hamari duty lagi ke Guruji ko jitne haar chadhaye hue the और जितने फूल लोगों ने अर्पण करे थे, गुरुजी ने बोला ये सारे उठाओ, अपनी गाड़ी की डिग्गी में डालो और जितने हैं ये सारे अब दिल्ली के लिए निकलो, रास्ते में नहर आएगी और सारे वहां भाव दे देना और एक भी फूल घर मत लेके जाना, बिकॉज चढ़ाए हुए फूल नहीं लेते. लोगों ने वो फूल गुरुजी को चढ़ाए, पता नहीं उसमें क्या होगा, लोगों का दुख, लोगों का दर्द जो गुरु ने खींच लिया उस फॉर्म में और उनको अपनी ब्लेसिंग्स दी, और हम क्या कर रहे हैं वो लेके हम अपने घर जा रहे हैं. वी आर नॉट सपोज टू डू दैट. ये गुरु जी ने बताया था हमें. उस टाइम तो डिग्गी क्या पीछे की सीट भी पूरी भर गई थी, बच्चे तो मतलब दे वर लिटरली ऑन द साइड्स ऑफ द बैक सीट व्हेन दे वेंट, बिकॉज वो पूरा ऊंचा भर चुका था इतने ज्यादा उस दिन गुरु जी को हार और फूल लोगों ने चढ़ाए थे. So this is what I came to know from Guruji at that time. And my mother, she was diabetic. And Guruji ne ek baat boli thi, jab wo Jalandhar mein the, maine unko bola, maine kaha Guruji wo aati nahi yahan tak. To unhone aage se bola, main kab kehta hoon ki wo aaye yahan tak, usko bol ghar baithe, usko ghar baithe hi sari blessings hain. Bahut saal meri maa ko Guruji ne bilkul theek thaak rakha. Unke words the, wo dawai khati rahegi, wo theek rahegi. तो मम्मी कभी परहेज नहीं करती थी, टाइम पे दवाई नहीं खाती थी, तो सब जब उन्होंने ठीक करना शुरू करा, दवाई खाने टाइम पे शुरू करी, परहेज करना शुरू करा, शी वॉज केप्ट लाइक अ फ्लावर फॉर मेनी मेनी इयर्स अहेड शी वॉज. एंड वंस ही जस्ट टोल्ड मी तेरी माँ को मैंने बचा दिया है. तो मैंने अपनी मदर को बोला, तो मेरी माँ ने बोला मैनू क्यों है, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हाँ. मैंने कहा जी आपको करना क्या है, अब तो वो बात करने ही नहीं देते वहां पे, अब तो हुक्म ये है कि चुपचाप जो जहां बैठा है वहीं बैठा रहे, तो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट गो एंड हैव योर चाय प्रसाद, लंगर ग्रहण कीजिए और अपने भगवान को याद कीजिए और घर आ जाइए, जो करना है वो तो गुरु जी ने करना है. शी सेड ओके, शी वेंट. आफ्टर अ वीक शी वॉज होल्डिंग अ रिपोर्ट, सस्पेक्टेड ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रेक्टम कोलन कैंसर. मम्मी की हवाइयां उड़ गई, गई गुरुजी के और मत्था टेका, अपना प्रोसेस कंप्लीट करवाया गुरुजी से, चाय प्रसाद, लंगर, ब्लेसिंग्स, भगवान का नाम, एंड देन शी कम्स बैक. नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में सारी रिपोर्टें क्लियर थी. थैंक यू बोलने गई गुरुजी को, तो गुरुजी ने धीरे से बोला जा अपनी डायबिटीज चेक करा ले. और मैं अगले दिन आई तो मुझे बोला मास्टरनिया इफ एंड बट कर दिया ने, ये कैसे हो गया. तो बहुत मुझे अजीब लगा क्योंकि मैंने तो ये बात बोली नहीं, और मैं बाहर आके रोने लगी. तो माय मदर, माय डॉटर टोल्ड मी, शी सेड मास्टर निया बोला है, नानी भी तो है अपने स्कूल की प्रिंसिपल, उनको बोला होगा. तो बाद में गुरुजी ने क्लैरिफाई करा, आहो मैं मानू कह रहा सी. वेल माय मदर कॉल्ड मी अप एंड शी सेड इतने सालों में मेरी डायबिटीज 280-260 से नीचे तो कभी गई नहीं, मैं एक रिपोर्ट लेके खड़ी हूँ 130-160, ये कैसे हो गए. और उसके बाद उन्होंने बिना किसी को बताए दोबारा चेक कराया, तो इस बार आया 113-99 मेरे ख्याल से. सो गुरुजी न्यू व्हाट ही वाज डूइंग एंड ही केप्ट हर गोइंग फॉर मेनी मेनी इयर्स मोर, एंड ही ब्लेस्ड इन व्हिच एवर वे ही थॉट वाज करेक्ट. एंड इट वाज सो सो ब्यूटिफुल. ही टुक केयर ऑफ एवरीबडी इन द फैमिली. Once when my son had just completed class 12, he said, मैं ना MBA करूंगा और पापा का business join कर लूंगा. तो we were just on our way to Guruji. तो जैसे ही Guruji के पास उसने अंदर मत्था टेका, Guruji ने पूछा कुछ नहीं, सिर्फ इतना बोला MBA not for you, you do law. कि MBA तेरे लिए नहीं है, तू law कर. तो suddenly he looks at me and he says, Sabina, इसको मैंने बड़ा top का lawyer बनाना है. और
ये लॉ करेगा। देर वॉज नो क्वेश्चन, गुरु जी ने बोल दिया है तो सवाल ही नहीं उठता कि बच्चा कुछ और करे। खैर पढ़ाई चालू हुई, और जैसे पढ़ाई चालू हुई तो डेडिकेशन नाम की कोई चीज नहीं थी उस टाइम बच्चे में, तो ऑब्वियसली पढ़ाई मुश्किल लगनी थी। गुरु जी ने उसको बहुत ब्लेस किया इस मामले में। एंड एक दिन मेरे बेटे ने मुझे बोला कि आप ये नहीं बोल सकते गुरु जी को कि कुछ और मुझे ब्लेस करके दे दें, यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, द स्टडीज आर वेरी डिफिकल्ट। आई सेड इट्स डिफिकल्ट बिकॉज यू आर नॉट स्टडिंग। अगर आप पढ़ रहे हैं तो ही आपको आसान लगेगा ना, आप तो पढ़ नहीं रहे हैं ठीक से। सो एनीवेज आई एडवाइज्ड हिम कि मैं गुरु को अपना हुक्म पलटने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूंगी, ना ही आपको ये बोलूंगी कि आप अपने गुरु से चाहे डायरेक्ट कनेक्शन रखते हैं लेकिन ये बात बोलें मत बोलें, आपके फ्यूचर के लिए सोच के उन्होंने ये बोला है। तो खैर 1-2 घंटे बीते और गुरुजी का फोन आया, हस्बैंड बच्चे सारे आओ मेरे पास, इस जगह मुझे आके मिलो। वो कहीं जगह थी जहां हमको गुरुजी ने बुलाया, और भी संगत थी वहां पे, सब अपनी गाड़ियां पार्क कर रहे थे, तो गुरुजी आगे आगे चलने लग गए मेरे बेटे के साथ और मैं भी उनके साथ साथ चलने लग गई। तो हम तीनों लिफ्ट में जैसे ही घुसे, गुरुजी ने मेरे बेटे को बोला, वकील तो मैं तेनों बना के छड़ांगा लेटर और सूनर। ही डिडंट से सूनर और लेटर, ही सेड लेटर और सूनर। एंड देन अगेन ही रिपीटेड टू मी, ही सेड सबीना 2 साल एनु बड़े मुश्किल लगनगे, उस तो बाद तू एदी टोड़ देखी, मैनू बड़ा टॉप दा वकील बनाना। नाउ दैट पर्टिकुलर थिंग इज नॉट टू बी इक्वेटेड विद हाउ मच मनी इज द पर्सन गोइंग टू अर्न। इट इज बेसिकली आप उस काम में कितने डेडिकेटेड हैं, आप उस काम से क्या पा रहे हैं गुरु की ब्लेसिंग्स के तौर में। दैट इज द मेन थिंग विच वी अंडरस्टूड फ्रॉम गुरु जी। उसकी पूरी 360 डिग्रीज लाइफ वॉज चेंज्ड एंड फॉर द बेटर। सो आफ्टर दैट गुरु जी ने एक दिन मेरे हस्बैंड को बुलाया, साइड बोर्ड पे खड़े थे, सभा लगी हुई थी, और एकदम से अपने स्पोर्ट्स शूज गुरु जी ने उतारे और मेरे हस्बैंड को कहते हैं, आ चक उठा ले इसको मुंडे ले, मतलब तेरे बेटे के लिए। सो दैट वॉज प्रसाद फॉर माई सन। वी टुक दैट एंड वी गेव इट टू हिम। एंड एक दिन जब हम गुरुजी की सभा से लौटे, रात के 2 बज चुके थे, मैंने देखा कि लाइट आ रही है उसके दरवाजे के नीचे से, तो वो पढ़ रहा होगा। आई क्वाइटली ओपन द डोर एंड आई सॉ ही वॉज स्टडिंग। गुरुजी के चरण जो हैं वो उसने टेबल के ऊपर ही रखे हुए थे, और वो पूरा कमरा गुरुजी की रूहानियत से फ्रेग्रेंट था। द होल रूम वॉज वेरी फ्रेग्रेंट। एंड यस फाइनली ही इज अ लॉयर टुडे एंड आई वुड लाइक टू थिंक दैट ही इज वेरी हैप्पी इन हिज स्पेस। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू थिंक दैट जो गुरु ने उसको बख्शा वो सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन जो गुरु ने उसके लिए सोचा वो सबसे अच्छा। एंड ही ब्लेस्ड माई डॉटर मल्टीफोल्ड ऑल्सो। देयर वर मैनी मैनी इंस्टेंसेस, अनगिनत इंस्टेंसेस वेयर ही सेव्ड हर फ्रॉम लाइफ्स अप्स एंड डाउन्स। एंड ही लिटरली जैसे उन्होंने कहा था, तू हैरान रह जाना है, मैं जिथे तेरी कुड़ी दा ब्याह तय किता है। तो डेफिनेटली उन्होंने सबसे बेस्ट मेरी बेटी के लिए किया जो शायद मेरे या मेरे हस्बैंड के बस में भी नहीं था। और ही गेव हर लिटरली एवरीथिंग ऑन अ प्लेटर। वंस माय डॉटर स्टार्टेड हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग स्टमक एक्स एंड गुरुजी जस्ट टोल्ड अस एदा ना गौरी पा देता है, ही चेंज्ड हर नेम टू गौरी एंड द स्टमक एक्स जस्ट वैनिश्ड। सो गुरुजी कैन डू सो मेनी थिंग्स इन सो मेनी डिफरेंट वेज। आप आज के दौर में ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपको तो बताया, आपको गुरुजी से डायरेक्टली ये बात सुनने को मिली, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा। प्लीज डू नॉट पुट एनी चिट्स इन फ्रंट ऑफ हिम कि ये यस है कि ये नो है। प्लीज डू नॉट राइट एनी लेटर्स टू हिम बिकॉज उनके वर्ड्स थे, गुरुआनु चिट्ठी नहीं लिखी थी। इट वॉज नॉट अ गुड थिंग टू राइट लेटर्स टू अ गुरु बिकॉज जो आपके समीप हैं, जो आपकी अंतरात्मा में है, आप उनको चिट्ठी लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं?
चिट्ठी तो उसको लिखी जाती है, तो बहुत दूर होते हैं आपसे, वो तो आप ही की आत्मा में बैठे हैं, आपको सिर्फ उनसे बात करनी है। एंड दैट इज इट, ही इज लिसनिंग टू एवरीथिंग, ही लिसन्स नेवर फॉर वन मोमेंट थिंक दैट ही डजंट लिसन, ही इज लिसनिंग एंड ही इज लिसनिंग एंड ही इज ऑलवेज डूइंग गुड। उन्होंने मुझे ये बोला था, ओनली डेड फिश स्विम विद द टाइड। सो आज मेरी समझ में वो आता है व्हाई ही हैड सेड दैट, एंड यू आर ऑल वेरी ब्लेस्ड, एंड आई विल अगेन थैंक दिस एंटायर टीम, एंड आई थैंक ऑल द संगत मेंबर्स हियर एंड हूएवर लिसन्स टू दिस सत्संग। थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी टेक माई ब्लेसिंग्स फ्रॉम गुरु जी। थैंक यू। जय गुरु जी, थैंक यू सो मच सबीना आंटी. इट वॉज सच अ डिलाइट टू हियर यू एंड टू सी यू. इट वॉज जस्ट लाइक डेजा व्यू विद गुरु जी एट एम्पायर स्टेट एंड ऑल द ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सत्संग्स दैट गुरु जी हैड इंडिविजुअली टोल्ड यू सो मेनी ब्यूटिफुल थिंग्स. आई थिंक द होल संगत इज सो ब्लेस्ड टू हियर फ्रॉम यू. It is amazing, amazing, Auntie. I was listening and I was just thanking Guruji Maharaj for sending you to Singapore. I still remember that day when Guruji called, Auntie, when Guruji called and he said, "Main apni sangat bhej raha hoon." And then he gave me your name and your husband's name and the children, and he said, तू जनती है. एंड एज यू नो हम लोग वहां कोई बात नहीं करते थे. हाउ गुरु जी मेड श्योर दैट यू नो आई अंडरस्टैंड एंड आई डिडंट नो. एंड गुरु जी के साथ तर्क नहीं करनी थी तो इसलिए मैं चुपचाप सुनती रही. एंड देन ही सेड कि तू जा उन्हों एयरपोर्ट जाके पिकअप कर, अपने घर ले जा. एंड देन ही ऑल्सो गेव मी द मेन्यू कि क्या बनाना है. ही मेड श्योर आई अंडरस्टूड कि चावल कि कोई चीज भी नहीं बनानी है. यू नो ही लव्ड यू सो मच, ही टुक केयर ऑफ यू सो मच. आई कुड सी दैट लव फॉर हिज संगत एंड आई जस्ट थॉट दे आर सो ब्लेस्ड. एंड आई कुड नॉट स्लीप दैट नाइट. एंड आई रिमेम्बर स्टैंडिंग आउटसाइड एंड एज यू एंटर्ड आउटसाइड यू नो आई सेड अरे ये तो मैं जानती हूँ इनको. एंड देन आपने भी पहचाना मुझे. जी, यू नो इट्स हाउ लवली टू हाउ सी यू एंड हियर यू आंटी, इट्स लवली टू सी यू एंड हियर यू आफ्टर एजेस आई गेस। बस मुझे मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, जैसे गुरु जी ने हम सबको जोड़ दिया है फिर से. एंड दैट्स अ जी रीजन व्हाई गुरु जी कनेक्टेड फ्यू संगत टुगेदर लाइक दैट. यू नो देयर यस वाज ऑलवेज सम गिव एंड टेक जो हमारे बीच चल रहा था. एंड हाउ गुरु जी मेड श्योर वी स्पेंड टाइम इंडिविजुअली एट माई होम क्वाइटली एंड देन शेयरिंग सत्संग, लिसनिंग टू योर सत्संग, ब्यूटिफुल सत्संग. मी गुरु जी सेड यू हैव टू सेंड टेल योर सत्संग. एंड यू नो वो रूहानी खुशबू कैसे आ रही थी. आई जस्ट एवरीथिंग जी लुक सो फ्रेश एंड न्यू जैसे अभी हुआ हो वो सब चीजें. जी जी थैंक यू सिर्फ सो मच आंटी. थैंक यू जी, थैंक यू. थैंक यू। एंड नाउ आई वुड लाइक सुरेश अंकल, अंकल प्लीज आप अनम्यूट करिए और ज्वाइन करिए. ही द ब्यूटिफुल वर्क एज यू सेड ही इज डूइंग इज अमेजिंग एंड वी ऑल आर यस ब्लेस्ड ऑल्सो गुरु जी संगत. थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच. एंड यू नो यू लुक एज ब्यूटिफुल एज एवर. गुरु जी का नूर है, गुरु जी की भक्ति है, शक्ति है, एवरीथिंग. थैंक यू सो मच सबीना. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर योर वेरी वेरी काइंड वर्ड्स। थैंक यू। जय गुरु जी महाराज। बिना जी, एक आपको और एक कपूर अंकल के सत्संग सुन के मुझे दो शब्द याद आते हैं। जय गुरु जी महाराज। जी जब जब से मैंने ये आप लोगों के सत्संग पहले शुरू में 4 साल पहले सुनता था ना, मैंने ये जी कसम खाई थी कि मैं कभी जय गुरु जी नहीं लिखूंगा, जय गुरु जी महाराज। मे आई गिव यू द आंसर फॉर दैट? जी वंस ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ एंड ही सेड गुरु जी महाराज अपने बारे में, सो ही कॉल्ड हिमसेल्फ गुरु जी महाराज, सो दैट इज वाई तो वी कॉल हिम गुरु जी महाराज। जय
गुरु संगत निहाल हो गए आंटी, आज ब्लिसफुल एज यूजुअल। जितनी बार भी आपके सत्संग सुनते हैं हर बड़ी एनर्जी मिलती है गुरु संगत को। बहुत ही ब्लिसफुल डिवाइन संगत चैरिंग आपने की है बिना आंटी, अपने वैल्यूबल टाइम निकाल के। मुझे मालूम था कि योर यू हैड हेक्टिक शेड्यूल टुडे। थैंक्स अ लॉट गुरु संगत की तरफ से, गुरु जी की कृपा सब पर बनी रहे। इट्स माई प्लेजर अंकल, आपको बिल्कुल ये नहीं बोलना है जी, मैं हाजिर हूँ। आई नो कि जनवरी से फरवरी हो गया एंड, सॉरी फॉर यू दैट, इट वाज द जस्ट द डिवाइस अंकल। यू हैड हेक्टिक शेड्यूल द लास्ट 2 मंथ, आई नो। जब जब गुरुजी चाहते हैं ना, वो तभी हम सबको इकट्ठा करते हैं और तभी वो बिल्कुल बुलवाते हैं, टाइमिंग वो डिसाइड करते हैं, बिल्कुल चाहे जी, हम जितनी बिल्कुल कोशिश करें, जितनी जी, कोशिश कर बिल्कुल लें। आज ही सबीना आंटी को मिलना था, उनके दर्शन करने थे। हाँ, आज ही उनको सुनना था। दर्शन आंटी, गोशी आंटी, आप देखते रहिए आने वाले महीनों में आप जिन जिन संगत को देखा करते थे ना वो सब आपको मिलेंगी। बहुत अच्छा अंकल, दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ 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 द मीडिया और द फोन, बिकॉज गुरुजी मना करते थे, पर ये बेस्ट चीज गुरुजी ने बख्शी है हमारी लाइफ में इस समय, कि हम इसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस करते हैं, उन पलों में फिर से जी सकते हैं जो हम गुरुजी के साथ बैठ के जीते थे। तो गुरु गुरुजी की बहुत अच्छी बख्शीश है। जी जय महाराज की गुरु कृपा जी। बने रहे, इनकी आई वुड जस्ट लाइक टू से डॉक्टर। वन थिंग अंकल बिफोर वी प्लीज एंड प्लीज दिस सेशन। प्लीज प्लीज इट इज अ आई डोंट नो, वन इज मिस इन्फॉर्म्ड और व्हाट, बट गुरु जी ने अपने बारे में जैसे अखबारों में, टीवी पे या किसी न्यूज़पेपर में देने की मनाई करी, लेकिन हमारे सामने उन्होंने किसी को बोला मेरी एक चंगी जी स्टाइलिश जी वेबसाइट बनाई। तो जब भी हम लोग कोई फोन लेते थे, सेलफोन, ही ऑलवेज यूज टू मेक इट अ पॉइंट के दिखाओ कौन सा है, कैसा मॉडल है, कैसे, मतलब ही वुड डेफिनेटली टेक इट एंड यू नो लाइक टू सी ऑल द फीचर्स एंड ऑल। सो इट इज नॉट के गुरुजी वाज अगेंस्ट मीडिया, ही वाज नेवर अगेंस्ट मीडिया, बट एट दैट पर्टिकुलर टाइम हाँ अखबारों में और उसमें वैसा प्रचार नहीं। बट आप आज देखिए जब गुरुजी यूज टू से संगत करना, अकॉर्डिंग टू गुरुजी ही यूज टू से नई संगत जोड़ो, संगत करो, नई संगत जोड़ो, तो नई संगत आज इस मीडियम से कितनी जुड़ रही है, वर्ल्ड वाइड राइट जुड़ रही है और हजारों लाखों में जुड़ रही है जो एक घर में बैठ के शायद नहीं जुड़ती। राइट तो बिना आंटी सो दैट बिल्कुल इज सही कह रही हैं हिट्स, दिस आप, इज हिट बिल्कुल ब्लेसिंग, बिल्कुल ठीक ये कह रही उन्हीं की हैं आप। ब्लेसिंग है तो हम आगे इसमें चल रहे हैं, नहीं तो ये कब का नहीं बिना होता, आंटी ऐसा नहीं बिना आंटी होता। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। 24 जुलाई 2020 को गुरुजी महाराज ने बिल्कुल दर्शन देके कहा था, हरबंस सिंह जगादे वालों के शब्द थे उनके पास पेपर में, फाइल में लिखे हुए, सुहासा दी माला नाल सिमरा में तेरा नाम। वो मुझे फोटो पकड़ाते हैं, एलो, मैंने फाइल पकड़ ली, माथा से लगाई, तुम्हें माथा टेका, कहते इस काम ने क्या बताओ, हैं जी गुरु जी, हैं जी गुरु जी। ही अंडरस्टूड कि व्हाट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही अटर्ड, एंड देन इस काम ने आगे बताओ, सेम टोन, सी इट वाज सेम टोन। जी दैट वाज अ डे आंटी एंड मल्टीलिंगुअल कांसेप्ट केम इन एक्सिस्टेंस एंड गुरु जी महाराज आशीर्वाद सबसे है। 30 लैंग्वेजेस की संगत इस मल्टीलिंगुअल टीम से जुड़ी हुई है, गुरु जी का महाराज का असीम कृपा है और ये मल्टीलिंगुअल सेवादारा टीम का ये ग्रुप है, सेवादारा काम कर रहे हैं, अपने आप काम हो रहे हैं सारे, गुरु जी जी की असीम कृपा है। अंकल, आई मस्ट से समथिंग अबाउट यू दैट यू आर द ठीक है मोस्ट हम्बल पर्सन। इतना जो आप, आपकी वजह से हम सब ये देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, गुरु स्पेशली महाराज की कोविड वजह टाइम से, में। गुरु महाराज की वजह से हम सब हाँ, कोविड टाइम में, पर आपको मीडियम बनाया जो आप ये कर रहे हैं, स्पेशली अब जो जैसे बीना आंटी किस तरह से अब नहीं है, पर आपने एक दिन भी अपनी सेवा नहीं छोड़ी, वो भी बहुत बड़ी बात है अंकल। दैट इज अ बिग थिंग फैमिली आंटी। में ऐसा कुछ। उषा आंटी थैंक्स अ लॉट। सबीना आंटी ने हमें पिछले 4-5 महीनों में 3 संगत शेयरिंग के इनवाइट भेजे थे एंड एवरी टाइम बिना वासन आंटी वांटेड टू ज्वाइन, सच्ची बता रहा हूँ। बट मेरा फैमिली मेंबर्स बोलते थे नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप आराम करो, बैठो।
पर शी वॉज कीन। मैं सिविन आंटी दिन में बता रहा था कि शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ दी शबर्स, जो कि तो बस शी वॉज अ ब्लेसिंग। बट गुरु जी शी महाराज इज ऑलवेज उनकी, गुरु अराउंड, जी शी इज महाराज ऑलवेज शी इज अराउंड ऑलवेज अराउंड। अंकल, उनकी ब्लेसिंग से भी आपका आगे सब बढ़ेगा, क्योंकि एक जो इतनी अच्छी सोल आपके घर में थी, आपको सपोर्ट कर रही थी इतनी बीमारी में भी, सब कुछ, दैट इज अ बिग थिंग। उषा आंटी मैं आपको बताऊं, हमारे जो रीडिंग सेशंस, मैं अभी क्या मिस कर रहा हूँ, जो रीडिंग सेशंस होते थे ना पहले, उन सब में जी होस्टिंग की सेवा में उनको पेपर पढ़ाता था। पकड़ो पेपर, पेन पकड़ो, मेरे मेरे बस का नहीं अकेले करना। मैं मुझे बोलता था कि ऐसा ओके, अच्छा इनका लिख दो, अच्छा इनका लिख दो। अब मानोगे नहीं, दिसंबर 2024 तक के सत्संग के शेड्यूल्स हमारे बने पड़े। दिसंबर 2024 किस संगत ने, किस और संगत ने सत्संग कौन से महीने में करना है। हम लोग गुरु संगत से, और संगत से उनके बर्थडेज, उनके एनिवर्सरी के डेट्स लेते हैं, और उनके डेट्स के हिसाब से ही उनके संगत शेयरिंग भी करते हैं। सही बारी है जी ना, कोई मना नहीं करता, कोई मना नहीं करता कि नहीं नहीं हमने क्यों, उनको सब तो गुरु जी को उत्सर्ग करनी है अपने बर्थडे के दिन। कहाँ जाएंगे, किसी क्लब में, होटल में तो जाएंगे नहीं। तो जी ये गुरु जी ब्यूटीफुल, महाराज की बहुत असीम कृपा है, और गुरु परिवार का आशीर्वाद बना रहे। थैंक यू लॉर्ड। सबीना आंटी, जी थैंक यू, उषा सिंह आंटी, आप बने रहिए। यू आर द को होस्ट फॉर द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू, थैंक यू। संगत जी, अभी हम गुरु जी महाराज से आज्ञा नहीं लेंगे, क्योंकि 6-7 मिनट के बाद सेकंड सेशन जो है, कमल शर्मा अंकल जी के बुक की रीडिंग सेशन, इट इज गोइंग टू बी स्टार्टेड। तो आप प्लीज बने रहिए। जय गुरु जी। थैंक यू लॉर्ड। सबीना आंटी, वंस अगेन थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू वेरी वेरी मच, मच। जय थैंक यू गुरु जी। सबीना, थैंक यू थैंक सो मच। यू आई आरती। वुड